आरओ को दी धमकी, 21 अक्टूबर के बाद जिले में नहीं रह पाओगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, नामांकन हाल में भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। एआरओ के रोकने पर भड़के बीजेपी विधायक, मंत्री स्वाति सिंह और सांसद बस देखते रहे तमाशा। तो धमकी दी गई है सरेआम, नामांकन हॉल में एआरओ को धमकी दी गई है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। सिद्धार्थ, क्या जानकारी आपके पास? बीजेपी विधायक धीरज ओझा ने धमकी दी है। देखिए, आपको बता दें, कहीं ना कहीं आज भाजपाइयों ने जम के सत्ता का नशा बोल रहा था। उन्होंने बस आरओ का इतना ही कहना था कि संख्या ज्यादा हो रही नामांकन नामांकन कक्ष में, एक एक करके आइए। लेकिन ये बात विधायक धीरज ओझा को नागवार गुजरी, उन्होंने साफ शब्दों ने कहा 24 तारीख बीत जाने दीजिए, उसके बाद इनका नाम नोट करो, इनको हटना ही हटना है। देखिए, कहीं ना कहीं अनुशासन के पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी में आज कहीं अनुशासन तार तार होता हुआ दिखाई दिया। जी राजू, मंत्री स्वाति सिंह भी उनके साथ मौजूद थे और ये तमाम लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, इतनी बड़ी बात विधायक जी बोल गए। देखिए आज सबसे बड़ी चीज ये है कि आशीष पटेल थे और विश्वासगंज विधायक आर के वर्मा थे, बीजेपी जिलाध्यक्ष थे, स्वाति सिंह भी आई थी आज। कहीं ना कहीं देखने वाली सबसे बड़ी चीज ये है, लगातार बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का अनुशासन में रहने की शिक्षा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अनुशासन तार तार होता दिखा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है, जब सत्ता दल ही ऐसा करेगा तो लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जी सिद्धार्थ, क्या उसके बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए तो किसी तरह की कोई माफी या इस तरह की बात जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कही या अपनी बात पर वो अड़े रहे? देखिए, सब मीडिया के कंधों से बचते रहे, उनका कोई उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब बाहर कट से निकलती है तो स्वाति सिंह से जब हम लोगों ने बात की तो स्वाति सिंह का यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल लोग बीजेपी की छत धूमिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस बात पे आरोप क्या कहना है मामले, यारों को क्या कहना है इस बात पे? देखिए, आरोप जब हमने बात करने की कोशिश की, वो इस समय सत्ता के सामने कुछ बोलने को नहीं तैयार थे, कैमरे के सामने कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार था। बस स्वाति सिंह का इतना ही कहना था कि बीजेपी की छत खराब की जा रही है, हमारे कार्यकर्ता एकदम अनुशासित थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी विधायक ने धमकी दी है। और